अगर किसी के बाल पतले हो रहे हैं तो क्या कैस्टर ऑयल से वापस मोटे हो जाएंगे? मींस क्या कैस्टर ऑयल बालों को मोटा करता है? चलिए एक छोटा सा स्टडी करके प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने 5 हेयर मेल का लिया है और 5 हेयर फीमेल का। पहले ड्राई हेयर का थिकनेस ट्राइकोस्कैन से रिकॉर्ड कर लेते हैं और अभी सुबह ही 11:25 पर इसको अनफिल्टर्ड कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल में डाल देते हैं। 6, 8 और 24 घंटे के बाद एक एक हेयर का थिकनेस मेजर करेंगे, फिर देखेंगे कि कैस्टर ऑयल से रियलिटी में कितना थिकनेस बढ़ता है। 6 और 8 घंटे का मेजरमेंट इसलिए क्योंकि हेयर ऑयलिंग यूजुअली 6 से 8 घंटे के लिए होता है। एडोन पर होम रिमेडी से रिलेटेड कई स्टडी आने वाला है, जैसे ओनियन ऑयल कितना इफेक्टिव है, एप्पल साइडर विनेगर कितना हेल्प करता है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 6 घंटे बाद पर 10 बालों का थिकनेस मेजर कर रहे हैं। थिकनेस सेम है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। आठ घंटे बाद 6:25 पर दूसरा मेजरमेंट, अभी भी थिकनेस वही है, नो चेंज। 24 घंटे में कोई चेंज होगा? नो, स्टिल सेम थिकनेस। कंक्लूजन, कैस्टर ऑयल बालों को मोटा नहीं करता है। अब आप कह सकते हैं कि कैस्टर ऑयल बालों को मोटा तब करता है जब बाल जड़ के साथ जुड़ा रहता है। वो स्टडी भी मैंने खुद पर किया है। पहले ड्राई हेयर का थिकनेस मेजर किया, फिर 50 ml कैस्टर ऑयल और 50 ml ब्लैक सेसमे ऑयल कॉम्बिनेशन से ऑयलिंग किया और फिर 8 घंटे के बाद शैम्पू करके दोबारा थिकनेस मेजर किया। थिकनेस में चेंज तब भी नहीं दिखा। फिर कैस्टर ऑयल अप्लाई करने के बाद बाल मोटा क्यों दिखता है? कैस्टर ऑयल काफी थिक होता है, जैसे ग्लू। कितना भी शैम्पू करने के बाद कुछ न कुछ पार्ट बालों पर कोटिंग के जैसा रह जाता है, जिसके कारण बाल मोटा लगता है। सो अगर आपको 6 घंटे में बाल मोटा करना हो तो कैस्टर ऑयल अप्लाई करिए। अगर आपका स्काल्प ड्राई है तो बाल आपका मोटा दिखना शुरू हो जाएगा। पर एक मेरा क्वेश्चन और भी है, अगर कोई लगातार 6 महीने तक, 1 साल तक कैस्टर ऑयल अप्लाई करे तब भी क्या बाल परमानेंटली मोटा नहीं होगा? वो स्टडी मैं खुद पर करूंगा और आपको हर महीने अपडेट दूंगा। Thank you very much for watching this video. Stay tuned.